अब चोर मोबाइल को चुरा कर पाताल लोक में भी चला जाएगा फिर भी फोन मिल जाएगा। मैं ऐसा एक सेटिंग बताने वाला हूँ। आमतौर पर जब हमारी चोरी होती है, जब कभी भी हम कहीं ट्रेन बस या कहीं रखकर भूल जाते हैं या कोई हमारे जेब से निकाल लेता है, तो मोबाइल एक बार गायब होने के बाद मिलना लगभग असंभव होता है। जब हमारे मोबाइल से सिम नहीं निकला हो तो फिर हम मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल का सिम निकाल लिया गया है तो मोबाइल किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूं जो कि आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो आपका फोन सिम निकालने के बाद भी कोई जमीन में भी गाड़ देगा फिर भी आपका फोन जो है तो मिल जाएगा ये सेटिंग जानने के बाद। तो आमतौर पर जब हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं और फिर पुलिस हमारे मोबाइल को तरह तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में हमारा मोबाइल ट्रैक नहीं हो पाता है क्योंकि चोर हमारे मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक चुका होता है, स्विच ऑफ कर लिया होता है और फिर वो धड़ल्ले से यूज करता है लेकिन हमारा मोबाइल नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सेटिंग बताने वाला हूं। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आपको देखना है गूगल सर्विसेज, ठीक है, ये गूगल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर रिकमेंडेड एंड ऑल सर्विसेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। अभी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्टेड ऐप, गूगल फिट, गूगल प्ले इंस्टेंट, कास्ट ऑप्शन, क्रोम बुक। आपको और भी नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना होगा, यहाँ पर फैमिली ग्रुप और माय डिवाइस, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा फाइंड माय डिवाइस। जब फाइंड माय डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपको किस इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फाइंड माय डिवाइस में यूज फाइंड माय डिवाइस, यहाँ पर ऑन तो है आपका, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, रिमोट लॉक, फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइस, फाइंड माय डिवाइस ऐप, फाइंड माय डिवाइस वेब। ये इस प्रकार से आप ऐप के द्वारा भी ढूंढ लिया जाता है और फाइंड माय डिवाइस वेब के द्वारा भी ढूंढा जाता है जो कि एक वेबसाइट है। यहां पर आपको फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइस पे क्लिक करना है तो यहां पर आपको ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, विदाउट नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, विद नेटवर्क इन हाई ट्रैफिक एरियाज, और यहां पर विद नेटवर्क इन ऑल एरियाज मिल जाता है। तो यहां हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है विद नेटवर्क इन हाई ट्रैफिक एरियाज ओनली, यानी कि जहां पर आपको हाई ट्रैफिक एरियाज रहेगा वहीं पे ये मिल सकता है। यहां पर देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं, लोकेट यूजिंग स्टोर्ड रिसेंट लोकेशन और द नेटवर्क इन एरियाज लाइक एयरपोर्ट और बिजी फुटपाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, विदाउट नेटवर्क, ठीक है। आप यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विदाउट नेटवर्क में आ गया है, यहाँ पर लिख के आ रहा है योर डिवाइस वॉन्ट पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क, यू कैन स्टिल लोकेट योर ऑफलाइन डिवाइस यूजिंग देयर स्टोर्ड रिसेंट लोकेशन वेन दे वर ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के आ जाता है, और यहाँ पर आपको से बैक में चले जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए विदाउट नेटवर्क आपका सेलेक्ट हो गया है, यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब अगर आपका मोबाइल कभी भी चोरी होता है तो चोर चाहे सिम निकाल के फेंक दे या स्विच ऑफ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपके मोबाइल को आप ट्रैक कर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अगर आप भी काइन मास्टर से बहुत एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, रील्स बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग आपसे नहीं आता है, तो मैं लॉन्च कर रहा हूं काइन मास्टर एडवांस एडिटिंग कोर्स, जो कि आप लोगों को फ्री में बताने वाला हूं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।